जो आपको ये दृश्य दिख रहा है वो राजस्थान की सुजानगढ़ विधानसभा मुख्यालय का ही नहीं, भारत की हर विधानसभा मुख्यालय पर आपको ऐसा दृश्य मिल जाएगा। हालांकि आवारा पशुओं के लिए संविधान में नीति बनी है, कानून बना है, आवारा पशुओं के लिए नंदीशाला या गौशाला जहां पर इनको रखकर इनके जीवन चलाने के लिए व्यवस्था होगी, लेकिन सुजानगढ़ तहसील मुख्यालय अर्थात सुजानगढ़ नगर परिषद के बस स्टैंड का ये हाल आप देख पा रहे हैं। आए दिन इन आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं होती है। सुजानगढ़ शहर में इन पशुओं की वजह से कई लोग मौत के शिकार भी हुए हैं। कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के रहते हुए भी स्थिति सुधर नहीं रही है। फैक्ट तंत्र चैनल मनोज जी मेघवाल से अपील करता है कि आपके सुजानगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण करके आम जनता को राहत दे। गौरतलब है सालासर बालाजी यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालु सुजानगढ़ बस स्टैंड होकर आते हैं। जब सुजानगढ़ की ऐसी छवि पूरे देश में जाती है तो इस सुजानगढ़ के लिए कलंकित होने की बात है। नीलोफर गौरी जो नगर परिषद की सभापति है उनसे आग्रह है कि थोड़ी व्यवस्था भी देखें। हेक्टंतर चैनल। Please like, share and subscribe and don't forget to